सर आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, आज का कलेक्शन कितना है? 5 लाख सर। बैंक में डाल देना। जी सर। नमस्ते मंत्री साहब। बिल्कुल मंत्री लग रहा हूँ ना, लेकिन नहीं, मैं उनका पीए हूँ। तो फिर ये कौन है? ये मेरा पीए है। लाइन में खड़ा होकर पैसा भर देना। सर 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 लाइन में खड़ा होकर पैसे भरने के बाद मैंने पैसा भर दिया। भर दिया? पैसा भरने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक यू। वी टू लाइक यू। मैं जो भी बोलता हूँ सिर्फ सुनने का, ओवर एक्टिंग नहीं करने का। काम क्या है बता? मैं किकबॉक्सर हूँ सर। तो मुझे मारेगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर, बॉक्सर बनना मेरी जिंदगी का मकसद है। क्या है कि सिलेक्शंस में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, मंत्री साहब से सिफारिश करने को बोलिए ना। 50,000 लगेगा। अरे बाप रे, रिश्वत मांग रहे? नहीं, गिफ्ट समझ के दे दो। लेकिन ये गलत है सर। गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? मुझे सोशल वर्कर समझ रखा है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार समझा है? निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट ऐसे। सॉरी सर। माय ईगो हर्टेड, गेट लॉस्ट। सर सॉरी सर। सर सर सर। मुझे बुरा लगा। सॉरी सर सॉरी सर। सर सर। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, इसकी सजा क्या है पता है? क्या है? शाम को इम्पोर्टेड स्कॉच बॉटल लेकर मेरे घर आना। गो कम वेलकम, साथ में 25,000 कैश लाना। ओके। वेंकी, एक मामूली पीए का इतना अलीशान बंगला। अरे हाँ, गरीबों का पैसा लूट लूट कर बनाया और क्या। यहाँ पर पार्टी करने में बहुत मजा आएगा। बक बक बंद करो। चीयर्स। कमीनो, मेरा घर को बार बता दिया तुम लोगों ने। आप ही ने तो कहा था शाम को खंबा लेकर घर आने को। खंबा मेरे लिए लाने को कहा था, तुम लोगों को पीने के लिए नहीं। यहाँ बैठा था तू। सब लोग मिलके पिएंगे ना? सब लोग मिलके पिएंगे? तूने पीना शुरू किया तो हमारे लिए घंटा बचेगा। छोटा हाथी है तू। कोई बात नहीं सर, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग लेंगे या लाइट लेंगे? क्या? ए रुक, मैं झुंड में नहीं पीता। पता है 20 साल से सोलो ड्रिंकिंग करता हूँ मैं। सर आप भी ना, आज हम छोटे लोगों के साथ पी लेंगे तो क्या जाएगा आपका? प्लीज ना, प्लीज ना। इतने रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए पी रहा हूँ तुम्हारे साथ, वरना मैं तो हमेशा अकेले ही पीता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों सर? बेसिकली दारू को मैं एंजॉय करता हूँ, दो पिक के बाद दारू मुझे एंजॉय करती है। मैं बेकाबू हो जाता हूँ। ऐसा क्या? हुक्कट में पीने में तो कुछ अलग ही मजा है। खरीदने वालों को सजा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, उसी में तो असली मजा है तो। ये तो कुछ भी नहीं है सर, आपको और मजा दिलाने के लिए हम लोग ने तक दिना दिन का इंतजाम किया है सर। मतलब आइटम सर। आइटम लोग? नो सर, घर में मैडम है इसलिए मना कर रहे हैं क्या? इस एडम के नसीब में मैडम नहीं है। मतलब आप अकेले रहते हो सर? नहीं रहे, अरे वो तो किसी मर्द के साथ भाग गई होगी, है ना सर? कहीं दोस्ताना टाइप तो नहीं है ना? ए, ये सब क्या फालतू बकवास कर रहे हो? मैं बैचलर हूँ, स्टिल अनमैरिड, लव फेल हो गया रे, अनलकी। दारू ने इसे एंजॉय करना शुरू कर दिया। सर जरा डिटेल में बताइए ना। डिटेल में जानना चाहते हो? मैंने और उसने साथ बिताए हुए सुनहरे पल, गोल्डन डेज। राजेश, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू राजेश। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे जैसे लव बर्ड्स। उन दिनों में मैं जिम जाया करता था, तब अंजलि रोज मेरे लिए प्रोटीन शेक लाया करती थी। अरे वाह, क्या जबरदस्त मसल बनाए हैं। मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक लाई हूँ। रियली? हाँ। थैंक यू वेरी मच। दुनिया की हर लव स्टोरी की तरह हमारी लव स्टोरी में भी एक डेढ़ फुटिया विलन था। बदतमीज कहीं के, मेरी बेटी को छोड़ दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सर, मैं अंजलि के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। अंकल, पानी के बिना मछली एक बार जिंदा रह भी सकती है, पर मैं अंजलि के बिना बिल्कुल नहीं। बकवास मत कर और अपना ये नाटक बंद कर। मेरी बेटी की शादी एमएलए से तय हुई है और अगले हफ्ते उसकी शादी उसी से होगी। बस शादी में खाना खाए और डकार मार के आ गए।
उसके बाद? उसके बाद अंजलि मुझसे दूर नहीं रह पा रही थी, इसलिए अपने पति के पास मुझे पीए की नौकरी दिलवाई मेरी अंजलि ने। अंजलि, मेरे अंजलि की कितनी तारीफ करूं, वो गुलाबों से बनी जलेबी थी, जरा उसे देखो कितनी खूबसूरत है, हम दोनों जैसे विस्की और सोडा की तरह मिलजुल कर रहते थे, देखो मेरी अंजलि को, देखो आग खोल कर देखो, आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, अंजलि। साला ये प्यार का चक्कर दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता है। अंजलि, मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आ गया, जरूर दारू ने लोचा किया, दो राउंड के बाद दारू ने मेरी वाट लगा दी, लगता तो ऐसा ही है। ये उठ रहे, ये क्या लॉ समझ के रखा है क्या, टल्ली होकर सारे सो गए कमीने, हैं? ए, रात को नशे में मैंने क्या क्या बक दिया, क्या कुछ ठीक है, इतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है, अब दबा हो जाए यहाँ से। अच्छा सर, फिर से ऐसी मस्त वाली पार्टी, पार्टी वाली कुछ नहीं, चल दबा हो जाए यहाँ से। सर लेकिन मेरी सिफारिश, चल निकल, कल ऑफिस में आके मिल लेना, चल निकल। साले का बीपी बढ़ गया। सॉरी अंजलि, कल दारू के नशे में मैंने अपनी लव स्टोरी लीक कर दी। ये अंजलि कौन है सर, जरा सामने क्या पूछा, अंजलि के बारे में, अंजलि के बारे में, अंजलि के बारे में जानना है, चल चल निकल ऐसे, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। पता नहीं कल रात को नशे में मैंने क्या क्या बक दिया। हे रामा, हे कृष्णा, अरे ये क्या बेटे, सुबह सुबह तुमने अपनी दारू की दुकान खोल दी। सुबह सुबह नहीं, रात से ही पी रहा हूँ। मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहा है, लेकिन तू तो 10वीं फेल है। मैं पूजा डार्लिंग से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा फुल टाइट होके जाना गलत है। शट अप, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे टोका नहीं, तू कौन होता है। बेटा मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। ओह मतलब तू भी मेरा बाप है क्या। देखो बेटा, होड़ी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, भले ऊपर हो या नीचे, दाएं हो या बाएं, दर्द तो एक ही होता है ना। बेटा बेटा है, फोड़ी फोड़ी है। ए? क्या सुबह सुबह फोड़ी का भाषण दे रहा है। बाय मम्मी। हाँ हाँ। अंजलि अंजलि अंजलि, दिल के नवल फूल का बिल्ली। अंजलि अंजलि अंजलि, मेरे से पुल। अब और कब तक मेरे लिए कुंवारी रहोगे, कोई सेकंड हैंड लड़की देखकर शादी कर लो। नहीं अंजलि नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह कुंवारा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख सकता हूँ अंजलि। राजेश, डोंट टच मी, डोंट टच मी अंजलि, तुम छूती हो तो नहीं। क्यों नहीं, क्या कुसुर पुसुर हो रही है। कुसुर पुसुर कुछ नहीं है सर, मैडम पूछ रही थी कि एमएलए की कुर्सी एमएलए की बीवी को कैसे मिलेगी। मैंने कहा वेरी सिंपल, पति के मरने के बाद बीवी को मिल जाएगी। फोकट की सलाह बहुत हो गई, अब चलो चलो मेरे साथ। जल्दी आ जा, चल। हाँ सर। अब तुम राउडी शीटर नरसिम्हा नहीं, एमएलए कैंडिडेट नरसिम्हा हो। अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा हमारी गलती का जंगली कुत्ते की तरह इंतजार करते रहते हैं। 2 महीनों बाद इलेक्शन आने वाले, इसलिए अब तू गांधीजी की तरह शांति बनाए रखना और अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाना। जैसा आप कहें सर। सर सर क्या है, ससुर जी कहो। ठीक है ससुर जी। आखिर तुझे सिफारिश मिल ही गई, कम से कम इस बार टाइम पे आके पार्टिसिपेट करना। जरूर आऊंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन है ये लोग? अबे ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। क्या कहा, तुम इससे मिल चुके हो? हाँ। लेकिन तू और ये एक नंबर का पागल है सर।